जनपद में बढ़ते हुए आग की वारदातों को देखते हुए फायर विभाग पूरी तरह सतर्क है और लगातार जनपद के विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को आग से बचने के तरीके और आग में फंसे हुए लोगों को किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए दूसरों को भी किस तरह से सुरक्षित आग से निकाला जा सके, इसकी जानकारी अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह के नेतृत्व में दिया जा रहा है। शनिवार को मोहद्दीपुर स्थित निजी होटल में मॉक ड्रिल किया गया, जिसके संबंध में अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि होटल में रहने वाले लोगों को किस तरह से सुरक्षित बाहर निकाला जाए और अपने आप को किस तरह सुरक्षित रखा जाए, इस होटल के सभी स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि होटल के पंप हाउस फायर एग्जिट संपूर्ण होटल के अग्निशमन व्यवस्था को चेक किया गया तथा कर्मचारियों को हाइड्रेंट से पानी कैसे रिचार्ज किया जाता है इसके बारे में भी बताया गया और अग्नि सुरक्षा से जुड़े पंपलेट हुआ वही हैंड व्हील का वितरण किया गया। इस अवसर पर फायर फाइटर आशीष नंदन सिंह, परमानंद पांडे, अभिषेक सिंह, प्रेमचंद्र सिंह, संजीव श्रीवास्तव सहित लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने कहा, ट्रेनिंग वाल्व लगा हुआ है कि मुंह से छोड़ी हुई जो सांस है वो बाहर निकल जाएगी और बाहर की सांस या वातावरण में जो भी जहरीला गैस होगा, धुआं होगा, कुछ भी होगा, जहाँ पे आप काम करें वो अंदर रहने के लिए ऐसे पहनेंगे। आप जाएंगे तो जो पहनेगा ये उसको बोलते हैं प्री एंट्री टेस्ट। प्री एंट्री टेस्ट मतलब होता है कि अंदर जाने से पहले का टेस्ट, ये हमारा उपकरण सही है कि नहीं सही है, यदि दम नहीं घुट रहा है इसके माने कहीं से आपको हवा मिल रही है और जिस वातावरण में जाके आप काम करोगे वहाँ पे कोई भी गैस का रिसाव है, धुआं है, तो आपको मिल जाएगा और पता चला कि आप जहाँ पे रेस्क्यू करने गए हैं आप भी प्रभावित हो जाएंगे, तो फिर आपको ऐसे में क्या करना होगा, फिर इसको स्ट्रिप को ढीला करना है। ढीला करने के बाद इसको फिर आप इसको अंदर बैठा लेंगे और करके फिर इसको कसेंगे और फिर वही प्रक्रिया करेंगे जब वाल्व को अपने हाथ से बंद करेंगे। अगर आपका दम घुटने लगे तो समझ लीजिए कि ये परफेक्ट है और फिर आप उस वातावरण में जा सकते हैं। कभी भी जाइए तो दो आदमी के साथ जाइए, सहयोगी के साथ, और पॉकेट लाइन गाइडलाइन का प्रयोग करिए क्योंकि अंधेरे में बत्ती नहीं रहेगी और पता चला कि आप उस एरिया में जाके फंस जाएंगे तो पॉकेट लाइन के सहारे आप सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। और कभी घबराते हैं तो ज़्यादा घबराएंगे तो ज़्यादा सांस लेंगे, ये जिसमें फ्रेश एयर है वे ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपको एक तरफ से ऐसे सर्च करना, ऐसे सर्च नहीं करना, नहीं तो आप किसी चीज़ पकड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ अकेले आया हूँ तो मैं जब ऐसे सर्च करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, तो फिर बात ऐसे खिड़की मिलेगी, फिर हमको एक दरवाज़ा मिलेगा और हम सुरक्षित फिर करेंगे अगर ऐसा फंसते हैं तो। ठीक है, अपना फ्रेश करेंगे क्योंकि इनके पे है कि नहीं, फिर इसको वहाँ पे जाके इससे काम करना बहुत सेफ है, आप फ्रेश रहेंगे। हमारे यहाँ इसका बहुत प्रयोग होता है, किसी भी मॉल में कहीं भी आग लगती बेसमेंट में हमारे सारे आदमी एक्सपर्ट हैं, इसको पहन के हम चले जाते हैं। तो आपके पास ये दो है, ये 200 के बजाय ये 250 है, इसको पहन के जाया जा सकता है। अब मैं इसको अपने आदमी को से पहनाता हूँ। और इसको जंप करके ऐसे करेंगे उछल के बैठ जाएगा। अब इसको आप कसिए अपने बॉडी में, बहुत अच्छी चीज है, इसका खूब प्रयोग करिए और हम लोग आपका भर दिया करेंगे। कभी आप खाली करेंगे तो मैं भर दिया करूँ। इसको देखिए कसेंगे ना आप ऐसे, नहीं तो टूट जाएगा, ऐसे सीधा ऐसे खींचते हैं नहीं तो टूट जाएगा। और ये आपको मिल रही फ्रेश एयर में ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, और इसको खोलने के लिए कुछ नहीं, ऐसे नहीं खोला जाता, ये आप पकड़िए ये चीजें ये, और इसको ऐसे कर दीजिए। अब देखिए वार्निंग विजिल बजा, जब ब्रेक पे आया तो वार्निंग विजिल बज गया। ठीक है, सब लोग लीजिए। सब लोग आपस में अलग अलग टाइप के कलर जो है, अलग अलग टाइप के आगों के लिए है, एक दूसरे से अदल बदल के पढ़िए और इसको फाड़िए नहीं, आगे भी लोगों को बांटते जाइए, सबको एक एक कलर लेके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ मिले।
अलग अलग बदल लीजिएगा, हर तरह से आपके लिए अलग अलग है ये, और आप लोग को इसलिए कलर है, किसी में ग्रामीण क्षेत्र का है, किसी में शहरी क्षेत्र का है, किसी में मल्टी स्टोरी का है। आप लोग फिर अपने साथियों को दीजिएगा, लोग बढ़ेंगे जागरूक होती रहती है, फायर फाइटिंग ट्रेनिंग भी है, सब लोग सबकी ट्रेनिंग थोड़ा सा ये होगा, अगर आप लोग को बुलाइए तो हम लोग लंबे समय तक अपना ट्रेन करते हैं। ये हमारा सर, ये हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये हमारी AI कौन सा टीम मेंबर जो ट्रेनिंग लिया हुआ वो है, तो सिक्योरिटी कोई भी इमरजेंसी होती है तो तुरंत इन्फॉर्म करती है, मैसेज डालती है, तो वो इंस्टेंट पहुँच सकते हैं। मॉक ड्रिल तो हम लोग का साल भर चलता रहता है, प्रत्येक माह और सप्ताह में हम लोग हमेशा जब भी समय रहता चलाते रहते हैं, लेकिन इस समय इसको अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है। 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक सुरक्षा सप्ताह हम लोग मनाते हैं फायर सर्विस का, जिसके तहत हम लोग का इसमें कई टीमें गठित हुई हैं, और देहात में जो फायर स्टेशन है वो भी मॉक ड्रिल कर रहे हैं, शहर क्षेत्र में जो फायर स्टेशन है वो भी कर रहे हैं, और मैं भी समय समय पर जैसे भी समय मिल रहा है निकल के बाहर मॉक ड्रिल कर रहा हूँ। कल सिटी मॉल में किया गया था और आज मैं रेडसन ब्लू, यहाँ का अच्छा होटल है सबसे, मैं उसमें आया हूँ, तो इनकी टीम के साथ एक जॉइंट मॉक ड्रिल हुआ है, और सारे पंप हाउस को मैंने चेक किया, सब स्वचालित हैं, ऑटो मोड पे सारे सिस्टम लगे हुए हैं, और स्मोक डिटेक्टर भी सही काम करते पाया गया, जो स्प्रिंकलर सिस्टम लगे हैं वो फायर के जितने हैं, इनके पंप सब कार्यशील दशा में सब स्वचालित हैं, कहीं भी आग लगने पे आप स्प्रिंकलर सिस्टम अपने आप स्वचालित हो जाएगा, बिना आदमी किसी पहुँचे पंप भी अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, सब अच्छे कंडीशन में है। और यहाँ पे जो उपकरण है इनको चलाने की जानकारी दी गई, इनके स्टाफ को पहले से काफ़ी अच्छी जानकारी थी और उनको डीप जानकारी दी गई। इनके यहाँ ब्रीदिंग ऑपरेटर्स है जो BS8 है, जिसको ऐसे वातावरण में जहाँ पे जहरीली गैस है, धुआं है,
नॉर्मल आदमी नहीं जा सकता, वहाँ पे उसका प्रयोग बहुत ज़रूरी है, तो इनके द्वारा वो भी रखा गया है। मैंने निकलवा के देखा, वो बहुत अच्छी कंडीशन में है, उसमें ऑक्सीजन जो फ्रेश एयर है वो पूरा भरा हुआ है। और इनके आदमियों उसको चलाने पहनने की अच्छी जानकारी थी उनको, और डीप में उसको पहनने के, और उसको कैसे प्री एंट्री टेस्ट करते हैं, कैसे प्रवेश करने से पहले क्या क्या टेस्ट करके प्रवेश किया जाए जैसे अपने को भी सुरक्षित रहें, उनको विशेष इसकी जानकारी दी गई। और सारे उपकरणों को भी चलाने का प्रशिक्षण दिया गया, पंपलेट भी इनको दिया गया, प्रचार प्रसार किया गया कि आप अपने पढ़िए और इसको अपने साथियों को भी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहिए। अलग अलग टाइपों के पंपलेट हम लोगों ने जो छपवा रखे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग हैं, शहरी क्षेत्र के लिए अलग हैं, मल्टीप्लेक्स मॉल और हाई राइज बिल्डिंगों के अलग हैं, तो उससे जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना होने न पाए, लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें, होती है तो उसमें त्वरित कार्रवाई की जाए और जन हानि और धन हानि को रोका जा सके।